क्वेश्चन नंबर 12 में दो लाइन दिए हैं, दैट इज़ 1 माइनस एक्स अपॉन 3 इक्वल्स टू 7y माइनस 14 अपॉन 2p इक्वल्स टू जेड माइनस 3 अपॉन 2। एंड अनदर लाइन जो है दैट इज 7 माइनस 7x अपॉन 3p इक्वल्स टू y माइनस 5 अपॉन 1 6 माइनस जेड अपॉन 5, अनदर लाइन है। तो ये वाला एक लाइन है और एक लाइन तुम्हारा इस जगह पे है। अभी दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू जीरो होगा, जो इसका जो डायरेक्शन रेशियोज है उसका प्रोडक्ट का सम जीरो होंगे। ठीक है, तो अभी हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स माइनस एक्स वन अपन ए वाई माइनस वाई अपन बी जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म और ये वाला होता है डायरेक्शन रेशियोज। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, वन माइनस एक्स चेंज कर लो एक्स माइनस वन तो नीचे आएगा माइनस थ्री, आई थिंक समझ में आ रहा है। उसके बाद जो है जो दूसरा है 7y माइनस 2 अपॉन 2p और z माइनस 3 अपॉन 2, फिर दूसरा केस में उसमें x माइनस 1 अपॉन माइनस 3 y माइनस 2, 7 को नीचे ले तो 2p अपॉन 7 z माइनस 3 अपॉन 2। तो अभी a1 b1 c1 आ गया, ठीक है, बिकॉज ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है इजीली। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में, अच्छा वो थोड़ा सा उधर चला गया था। तो इसके बाद दूसरी पार्ट में a1 हो गया माइनस 3, b1 2p अपॉन 7, c1 2 है। सिमिलरली इसको भी चेंज करो स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो x माइनस 1 3p अपॉन माइनस 3 दैट इज 7 आएगा माइनस 7, तो माइनस 3p अपॉन 7 y माइनस 5 अपॉन 1 z माइनस 6 अपॉन माइनस 5। तो यहाँ पे देखो a2 b2 c2 आ गया। ओके, तो अभी यहाँ पे लिख दिया a1 a2 प्लस b1 b2 c1 c2 जीरो है, तो पुट कर दो। पुट करने के बाद 9p अपॉन 7 2p अपॉन 7 इक्वल्स टू 10, तो 11p अपॉन 7 10 तो b इक्वल टू 70 अपॉन 11, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, सॉल्व करके सेंड कर दो।